जनपद संभल के चंदोसी में एसएम डिग्री कॉलेज छात्र संघ चुनाव को लेकर मामला गर्मा गया है। छात्र पिछले एक माह से ज्ञापन व प्रार्थना पत्र देकर कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं। चुनाव की मांग करते हुए एक सप्ताह पूर्व एसएम कॉलेज के प्राचार्य हेमंत सक्सेना को ज्ञापन सौंपा था, जहाँ सपा छात्र सभा नेता सुरेंद्र यादव व प्राचार्य के मध्य काफी बहस हुई थी, जिसमें सुरेंद्र यादव ने कहा कि कॉलेज प्रशासन चुनाव के नाम पर टाल मटोल करता है। यदि पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो चुनाव के लिए भूख हड़ताल करनी पड़ी थी, तब कहीं जाकर चुनाव हुए हैं। इस बार भी चुनाव ऐसे ही होंगे। प्राचार्य का कहना था कि इसके लिए वे तहसील प्रशासन से बात करेंगे। शुक्रवार को कॉलेज के गेट पर छात्र अनिश्चितकालीन धरना व भूख हड़ताल पर बैठ गए। छात्रों का कहना था कि डेट दो या डेट दो। बातचीत कर समझाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। वहीं मौके पर SDM व CO चंदोसी मौके पर पहुंचे। कॉलेज प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने छात्रों को समझा बुझाकर शांत किया और छात्रों का अनशन खत्म कराया। ये कुछ विद्यार्थी छात्र चुनाव की मांग को लेकर के लंबे समय से प्रयासरत थे, उसी की कड़ी में कल ये यहाँ पर एसएम कॉलेज के मुख्य गेट पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल प्रारंभ हुई थी। उसी की कड़ी में हम सभी छात्र नेता, छात्रों का प्रतिनिधि करने वाले मैं सुरेंद्र यादव, छात्र अध्यक्ष संभल, उसी को लेकर के हम बड़ी संख्या में सभी नौजवान साथी छात्र प्राचार्य महोदय से उस चुनाव को लेकर के मिले थे। वहीं मौके पर हम लोगों ने धरना देने का भी काम किया। बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे, मौके पर SDM साहब, CO साहब भी मौजूद रहे। प्रशासन ने ये कहकर के हमें आश्वस्त किया है कि आज अभी 1 घंटे के अंदर चिट्ठी लिख करके DM साहब के लिए भेजा जाएगा। DM साहब का जो भी आदेश होगा, कॉलेज प्रशासन चुनाव कराने के लिए राजी है। और कॉलेज प्रशासन का कहना है कि DM साहब जो भी आदेश देंगे, जिस तारीख में आदेश देंगे कि हम इस तारीख में प्रशासन की व्यवस्था आपको दे सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं, उसी तिथि को जल्द से जल्द घोषित किया जाएगा और यहाँ पर SM कॉलेज में एक बार पुनः छात्र संघ चुनाव की बहाली होगी। निस्तारण कराया है क्या से, उनके प्रतिनिधि मंडल से और कॉलेज के प्राचार्य उन सबसे बात कर ली है और हमने CO साहब ने इसके बाद ये सहमति बनी कि इस समय विधानसभा चुनाव है और कोविड है, तो उसके लिए DM साहब और कप्तान साहब को एक प्राचार्य महोदय एक लेटर लिखेंगे, वहाँ से अनुमति आती है, तदनुसार उस पर इनका चुनाव भी होगा या जो भी कार्रवाई वहाँ के निर्णय के उपरांत ही, उससे छात्र सहमत है और इनका जो धरना आदि वो भी समाप्त होगी। धन्यवाद।